भी क्यों कर रही है? तुम तो कहे भेजो। अरे ओके जी, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हैंड रेस कर दें कोई भी एक बच्चा अगर आवाज़ आ रही है तो। ओके फाइन। अच्छा जी, ओके, सो टुडे इज़ आर 13th लेक्चर। लास्ट बच्चों हमने पढ़ी थी मेमोग्राफी, और बेसिकली जो आयनाइजिंग, जिसमें आयनाइजिंग रेडिएशंस यूज़ हो रही थी, जितनी भी हमारी रेडियोलॉजिकल मोडेलिटीज थी जिसमें आयनाइजिंग रेडिएशंस यूज़ हो रही थी, वो मैंने सारी अब हमने कवर कर ली हुई है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों का फ्लोरोस्कोपी का एक लेक्चर जो है वो भी रहता है, उसमें भी एक्सरेज ही यूज़ हो रही होती हैं। सो वो इंशाल्लाह हम लास्ट में जो है वो कर लेंगे। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि आप मिड टर्म से पहले एटलीस्ट एमआरआई जो है वो कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो फ्लोरोस्कोपी का बस एक ही लेक्चर है, जैसे मेमो का एक छोटा सा लेक्चर था, तो वो इंशाल्लाह हम जो है वो एमआरआई के बाद कवर कर लेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक्स टू द एमआरआई। इसमें से ब्रेन एमआरआई मैंने अभी निकाल दिया, तभी हम इंट्रोडक्शन टू द एमआरआई ही पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम ब्रेन एमआरआई पढ़ेंगे। ओके, सो एम आर आई इज़ बेसिकली फॉर द मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक का ये है कि इसमें आपके पास मैग्नेटिक मैग्नेट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होती है। जैसे हम जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे रेडियोलॉजी का, तो मैंने आपको बताया था कि एम आर आई के अंदर जो है वो आप मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास जनरेट हो रही होती है, और रेडियो वेव्स जो होती हैं वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड ये जो है वो हमारे पास नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है। बेसिकली एक्सरेज वर
आयनाइजिंग रेडिएशन. सो जो है वो आपको पता है आयनाइजिंग रेडिएशन जो है वो बॉडी के लिए ज़्यादा हार्मफुल है एज कम्पेयर टू द रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स. सो मैग्नेटिक इज फॉर द मैग्नेट्स जो कि एमआरआई मशीन के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप के मैग्नेट्स होते हैं. हम बहुत ज़्यादा उसमें इन डिटेल में नहीं जाएंगे कि मशीन की क्या जो है वो कॉम्पोनेंट्स होते हैं. देन रेजोनेंस. ठीक है, अब रेजोनेंस ये है कि ये आपकी बॉडी के अंदर से ही एटम्स के जो हमारे बॉडी के अंदर एटम्स हैं बेसिकली उसके ऊपर जब रेज जाके एक्ट करती हैं और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं तो वहाँ से सिग्नल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं. तो वो जो सिग्नल्स जनरेट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आपकी बॉडी का उस स्पेसिफाइड एरिया का आपको क्या देते हैं, इमेज देते हैं. ठीक है, सो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज फॉर द मैग्नेटिक मैग्नेट्स या मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है. रेजोनेंस जो कि क्रिएट हो रही है, सिग्नल्स क्रिएट हो रहे हैं जब मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और वो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स जो है वो क्या कर रही हैं कि बॉडी के एटम्स के ऊपर काम कर रही हैं और वहाँ से सिग्नल्स या जो है वो जनरेट कर रही हैं और वो फिर सिग्नल्स हमारे पास क्या कर रहे हैं, बॉडी का इमेज जो है वो हमें इस तरह का जो है वो शो कर रहे हैं. ओके, यूजेस मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स टू क्रिएट डिटेल्ड इमेजेस ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज विद इन द बॉडी. ठीक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जो है वो मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि यूजली हमने अगर बॉडी के टिश्यूज को जो है वो स्पेसिफिकली स्टडी करना है, ठीक है, तो हमें जो है वो MRI जो है वो सबसे बेस्ट मोडलिटी है इसके लिए. ठीक है, जैसे हम एक्सरेज के लिए यूजली जो है वो फर्स्ट जो है वो एक्सरेज को जो है वो कंसिडर कर रहे होते हैं फर्स्ट डायग्नोस्टिक टूल, इसी तरह से MRI जो है वो हमें स्पेसिफिकली जो है वो बहुत डिटेल में टिश्यूज की जो है वो डिटेल दे रहा होता है. कोई भी टिश्यू हो सकता है बॉडी का, कोई लिगामेंट हो सकता है, कोई आपका मसल हो सकता है, कोई कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है आपका, कोई जो है वो आपका कार्टिलेज हो सकती है. ठीक है, एनी कोई भी टिश्यू बॉडी का जो है उसको आप अगर इन डिटेल देखना चाह रहे हैं उसमें कोई टीयर है या नहीं है या कोई भी वहाँ पे पैथोलॉजी बन रही है तो हमें MRI जो है वो हमारे लिए वहाँ पे बेस्ट जो है वो रेडियोलॉजिकल मोडलिटी है. ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि आप जो है वो ब्रेन MRI भी करते हैं, मतलब ब्रेन के टिश्यूज भी हम देखने के लिए करते हैं. एब्डोमिनल MRI भी हमारे पास होता है, एब्डोमिन में डिफरेंट हमारे जो ऑर्गन्स है उसको देखने भी करते हैं, बोन्स को भी हम MRI में देखते हैं. ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि वो फ्रैक्चर्स जो कि हमारे पास आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे एक्सरे पे तो हम उसका CT करवा रहे थे. ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपको CT पे भी नहीं आइडेंटिफाइबल होते तो वो फिर MRI पे मिलते हैं. बट अगर यहाँ पे हम कंपैरिजन की बात करें तो ज़्यादा अच्छा जो हमारे पास जो बोन से रिलेटेड पैथोलॉजी आती है या बोन से रिलेटेड जो ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है वो हमारे पास CT के ऊपर आती है एज़ कम्पेयर टू MRI. ठीक है, MRI में यूजली हम जो टिश्यूज़ हैं बॉडी के उसको बहुत ज़्यादा इन डिटेल जो है वो स्टडी कर सकते हैं. ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. ठीक है, NMR, इसको हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस भी जो है वो कहते हैं. नो आयनाइजिंग रेडिएशन, जैसे मैंने भी आपको पीछे बताया कि ये हमारे पास मैग्नेटिक वेव्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, रेडियो वेव्स हैं विच आर बेसिकली नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन. एम्प्लॉयज रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स रेंजिंग फ्रॉम 1 to 80 MHz. ठीक है, ये इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स है जो कि यहाँ से यहाँ तक रेंज कर रही होती है. दैट इज़ बेसिकली नॉट नेसेसरी कि ये स्पेसिफाइड इतनी ही रहे क्योंकि डिफरेंट हमारे पास मशीन्स हैं और डिफरेंट मशीन्स जो हैं वो फिर उसमें ये फ्रिक्वेंसी जो है वो वेरी भी कर सकती है. एनीवेज, अब आपने जो है वो ये डिटेल जो मैंने भी आपको बताई है ये आपने याद रखनी है. बट बच्चों आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके लिए ये करने की ज़रूरत है या इसके लिए करने की ज़रूरत है. इंडिकेशन जैसे मैंने आपको डे 1 भी बताया था टू सम एक्सटेंट दोनों सबकी सेम ही होती हैं कि हम बोन की स्टडी के लिए भी MRI भी कर रहे हैं, एक्सरे भी कर रहे हैं, CT भी कर रहे हैं. ठीक है, बट प्रेजेंटिंग कंप्लेन पेशेंट की क्या है, वहाँ पे हमें डायग्नोसिस के लिए मजीद एक्यूरेसी के लिए क्या जो है वो मोडलिटी रिक्वायर्ड है वो हमें जब आप इन एक्चुअल प्रैक्टिस करते हैं तो तब आपको ज़्यादा वो बातें जो हैं वो क्लियर होती हैं. ठीक है, तो ये जो जितना अभी मैंने आपको कंपैरिजन बताया एटलीस्ट आप इस लेवल पे जो है वो इसी को याद रखें. ओके, MRI ब्रेन इंडिकेशंस, ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज, वाइट मैटर एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है, आपकी हो सकती हैं जिसमें ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज़ है. अगर जो है वो वाइट मैटर में किसी किस्म की भी कोई पैथोलॉजी डेवलप हो गई है, ठीक है, तो उसको आपने इन डिटेल पढ़ना है तो आप ब्रेन MRI करा सकते हो. डीमाइलिनेटिंग डिजीजेज ऑफ द ब्रेन, ठीक है, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसको हम इन डिटेल पढ़ सकते हैं ब्रेन MRI से. कंजेनिटल डिफॉर्मिटी कोई आ गई है ब्रेन के अंदर, कोई भी किसी किस्म की मेलफॉर्मेशन है, आप उसको स्टडी कर सकते हो. जैसे हमने हाइड्रोसेफलस पढ़ा था वो आप ब्रेन MRI से भी जो है वो हम स्टडी कर सकते हैं. मेलफॉर्मेशन ऑफ मिनिंजिस, ठीक है, मिनिंजिस लेयर जो है आपकी उसमें किसी किस्म की कोई एबनॉर्मेलिटी है बाय बर्थ तो उसको भी अगर आपने इन डिटेल पढ़ना हो तो आप जो है वो ब्रेन MRI कर सकते हैं.
उसके अलावा वास्कुलर अगर हम देखें तो कौन कौन सी हैं, स्ट्रोक, ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा स्ट्रोक का पेशेंट जो है वो ब्रेन एमआरआई करवा रहा होता है, ठीक है, कहाँ पे इन्फेक्शन हुआ हुआ है, किस आर्टरी में इन्फेक्शन हुआ हुआ है, उसको आपने डिटेल देखना है, आप ब्रेन एमआरआई करा सकते हैं. एन्योरिज्म कोई बन चुका है, ठीक है, कहीं भी जो है वो वेसल जो है वहाँ पर कोई आउट पाउचिंग हो चुकी हुई है, ठीक है, उसको आप इन डिटेल देख सकते हैं. आर्टीरोवीनियस मेलफॉर्मेशंस कोई अगर आपकी बॉडी बॉडी में हो चुकी हैं या ब्रेन में हमारे पास आर्टीरोवीनियस मेलफॉर्मेशंस जो हैं वो हो चुकी हैं. वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है, कहीं पे कोई थ्रोम्बस बना हुआ है और उसको हमने स्टडी करना है. वर्टिब्रल आर्टरी डायसेक्शन, ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी की अगर आपने जो है वो कम्प्लीट उसको डायसेक्शन लेवल पर देखना है तो भी आप जो है वो ब्रेन एमआरआई कराएंगे. मिसिलिनियस में हमारे पास ट्रॉमा, जैसे हमने पढ़ा था कि जो है वो हेड ट्रॉमा में मैंने आपको बताया था कि हम ब्रेन सीटी ब्रेन जो है वो करवा रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर आपने सीटी ब्रेन करवाया है और आपको उससे कुछ पॉइंट्स नहीं क्लियर हो रहा है या कोई ब्रेन का टिश्यू इस तरह का डैमेज है जो कि हमें जो है वो मजीद क्लियर करने के लिए किसी और मॉडलिटी की ज़रूरत है तो आप फिर क्या करते हैं, एमआरआई ब्रेन करवाते हैं, ठीक है. इसके अलावा एपिलेप्सी, एपिलेप्टिक पेशेंट्स जो होते हैं उसमें भी आपको पता है कि नर्वस सिस्टम उनका डिस्टर्ब हुआ होता है, ठीक है, वहाँ पे जो सिग्नल्स हैं वो डिस्टर्ब हुए होते हैं तो उसको भी अगर आपने कीन लेवल पे स्टडी करना है तो आप ब्रेन एमआरआई जो है वो करवाएंगे. ओके, देन ट्यूमर, ट्यूमर ब्रेन में कहीं पे भी ट्यूमर है, मेनिंजिस में ट्यूमर आ गया है, ऑर्बिटल एरिया में कहीं ट्यूमर है, पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर बन चुका है, ठीक है. एकॉस्टिक न्यूरोमा, अकॉस्टिक न्यूरोमा क्या होता है, आप में से कोई स्टूडेंट बताएगा मुझे? हैंड रेस करें अगर किसी को पता है तो. किसी स्टूडेंट को नहीं आइडिया? ओके, अकाउस्टिक बेटा आपको पता होना चाहिए कि अकाउस्टिक बेसिकली नर्व भी होती है जैसे हमारी, तो ये ईयर से रिलेटेड होगा, ठीक है, इस तरह से आप लोग पॉइंट्स याद रखा करें. सो अकाउस्टिक न्यूरोमा में बेसिकली क्या होता है कि ये सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि बेनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है, और ये जो आपका वेस्टिबुलर एरिया है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है और फिर ये क्या करता है कि हमारे जो आपकी हियरिंग होती है जो बैलेंस कर रही होती है हमारी नर्व्स, ठीक है, जैसे कॉक्लियर एरिया है वहाँ पे जाके जो है ये लॉज हो जाता है, ठीक है, तो ये जब वहाँ जाके लॉज हो जाता है तो फिर क्या करता है कि आपको डिफरेंट हियरिंग और बैलेंस के प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रहा होता है. सो अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो उसके लिए भी आप जो है वो ब्रेन एमआरआई कराएंगे. इसके अलावा इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, ब्रेन एनकेफेलाइटिस, ब्रेन में जो है वो इन्फ्लेमेशन हो गई, किसी किस्म की भी मेनिंजीज जो है उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया जिसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, तो भी आप उसके लिए जो है वो ब्रेन एमआरआई करेंगे. ये ब्रेन एमआरआई की इंडिकेशंस है. इसके अलावा जो है वो बहुत सारी और इंडिकेशंस, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम मस्कुलोस्केलेटल में चले जाएं तो हमारे पास स्प्रेन्स हैं, हमारे पास स्ट्रेन्स हैं, हमारे पास लिगामेंट की इंजरीज हैं, ठीक है, आपके पास कोई मसल टियर हो गया है, रोटेटर कफ की कोई इंजरी आ गई है, ठीक है, कोई फ्रैक्चर है जो कि हमारे पास अनडायग्नोस्ड हो रहा है सीटी के ऊपर, ठीक है, तो वो आप एमआरआई के थ्रू जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है. इसी तरह से ही जो हमारे एब्डोमिनल एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पे जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनको अगर आपने स्टडी करना है, वहाँ पे कोई ट्यूमर बना हुआ है जो कि हमें सीटी के ऊपर क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप उसको ब्रेन सॉरी एमआरआई से जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है. मैं इसमें इंडिकेशंस मजीद या आपकी लेक्चर में ऐड कर दूंगी. ओके, नाउ प्रिंसिपल क्या है बेसिकली इसका, जैसे कि हमने एक्सरेज में पढ़ा था कि जो है वो सिंपल एक्सरेज जो थी वो एक्सरे ट्यूब एक्सरेज जनरेट कर रही थी, ठीक है, वहाँ पर डिटेक्टर लगा हुआ था, वो उसको डिटेक्ट करता था और बॉडी से रेज पास होती थी और हर टिश्यू की एक डिफरेंट डेंसिटी थी और वो हर टिश्यू अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंगली उसको एब्जॉर्ब करता था और या रिफ्लेक्ट करता था और फिर डिटेक्टर डिटेक्ट करता था और एक इमेज आ जाता था, ठीक है. इसी तरह से अब हमारे पास एमआरआई का प्रिंसिपल जो है वो क्या है. एमआरआई मेक्स यूज ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टन एटॉमिक न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन न्यूक्लियस सिंगल प्रोटॉन प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड देयरफॉर इन ऑल बॉडी टिश्यूज, द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई पार्शली अलाइंड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन द स्कैनर. ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको पता है हमारी बॉडी जो है वो बच्चों 70% वाटर से जो है वो बनी हुई है, ठीक है, हमारी बॉडी में 70% पानी है, वाटर है. तो अब आपको पता है वाटर का क्या फॉर्मूला है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन मिलकर हमारे पास वाटर बना रहा होता है. सो अब एमआरआई क्या करता है कि जो हमारे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस हैं, ठीक है, या जो प्रोटॉन्स हैं उसके ऊपर जो है ये जाके क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड जाके जो है वो क्या करती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स जनरेट करती है, वो जाके आपकी बॉडी में जो प्रोटॉन्स हैं हाइड्रोजन न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड उनके ऊपर जाके वो जो है वो क्या करती है, एक्ट करती है. जब उनके ऊपर जाके एक्ट करती है तो वो क्या हो जाते हैं, उसकी एक्शन की वजह से अलाइंड हो जाते हैं इन अ प्रॉपर
way. The nuclei can be rotated using radio waves and the subsequently oscillate in the magnetic field while returning to the equilibrium. Simultaneously, the nuclei can be rotated using radio waves and they subsequently oscillate in the magnetic field while returning to the equilibrium. Simultaneously, they emit a radio signal. This is detected using antennas, coils. Very detailed images can be made of the soft tissues. ओके सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे ही वो रेडियो वेव्स जाती हैं ठीक है वो क्या करते हैं उनमें ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाती है ठीक है अपनी जगह से हिल जाते हैं ऑसिलेट करते हैं मूव करते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है जैसे रेडियो वेव्स जो है वो स्टॉप हो जाती है उनकी इमिशन तो वो क्या होती है अपने दोबारा से रेस्टिंग पोजिशन के ऊपर आ जाते हैं ठीक है और इसी दौरान वो क्या होता है कि वो जो सिग्नल क्रिएट होता है वो डिटेक्ट होता है बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी और वहाँ से फिर आपका क्या होता है एक डिटेल सॉफ्ट टिश्यू का इमेज आ जाता है इससे आपको जो है वो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा ठीक है कि ये देखिए इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अरेंज हुए हैं ठीक है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन और इस तरह से अरेंज है अब इसके अंदर हर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पड़ा हुआ है ठीक है तो अब क्या होगा कि ये आपका नॉर्मल बॉडी का जो है वो इस तरह से अरेंज हुए हैं हाइड्रोजन एटम अब हमने क्या करना है जब जैसे ही पेशेंट को हम स्कैनर के अंदर लिटाएंगे MRI मशीन के अंदर लिटाएंगे वहाँ पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी ठीक है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स प्रोड्यूस होंगी वहाँ से ठीक है जब वो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो वो जाके एक्ट करेंगी इन सब के ऊपर ठीक है वो इन सब के ऊपर जाके जब एक्ट करेंगी तो क्या होगा कि आफ्टर द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड ठीक है ये इस तरह से लाइंड अप हो जाएंगे हाइड्रोजन एटम्स ठीक है ये सारे लाइंड अप हो जाएंगे और यहाँ से सिग्नल्स जो हैं वो इमिट होंगे जब सिग्नल्स इमिट होंगे तो क्या होगा कि आपका बॉडी जो है वो डिटेक्टर जो है उसको डिटेक्ट करेगा और उसका इमेज हमारे ऊपर जो है वो आ जाएगा और उसके बाद दोबारा से ये इस तरह से स्कैटर हो जाएंगे ठीक है फिर दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स आएंगी और दोबारा से अलाइंड अप होंगे और इस तरह से इमेज आएगा सो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा और आपका जो है वो बॉडी का जो सा एरिया जो है जिसका हम MRI कर रहे हैं उसका एक स्पेसिफाइड इमेज जो है वो वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा बच्चों आप सबको ये क्लियर है इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है प्रिंसिपल में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करें एमन जावेद ने हैंड रेज किया जी बच्चे आपको मैंने अनम्यूट तो नहीं किया हुआ जी बताएं मैम दोबारा बता दें ये कहना था ठीक है अच्छा देखिए बच्चा मैंने आपको बताया है हमारी बॉडी में 70% पानी है ठीक है वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे क्या फॉर्मूला होता है H2O होता है ठीक है इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं ठीक है क्योंकि बहुत सारा पानी है हमारी बॉडी के अंदर तो अब MRI क्या करता है कि MRI हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रोजन एटम हैं उसके ऊपर काम करता है ठीक है जब उसके ऊपर काम करता है तो अब हमारे बॉडी में एटम सारे इस तरह से पड़े हुए हैं ठीक है जैसे ही हम पेशेंट को स्कैनर के अंदर लिटाते हैं ठीक है तो क्या होता है कि वहाँ पे मैग्नेटिक क्योंकि मैग्नेट्स लगे हुए हैं MRI के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ठीक है जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है कि ये सारे आपके पास जो हाइड्रोजन के एटम्स है इस तरह से लाइंड अप हो जाते हैं पहले स्कैटर हुए थे फिर लाइंड अप हो गए ठीक है पेशेंट को हमने लिटाया MRI मशीन के अंदर उसके हाइड्रोजन एटम्स को स्कैनर ने डिटेक्ट किया ठीक है और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और उस मैग्नेटिक फील्ड ने हाइड्रोजन एटम्स को इस तरह से क्या कर दिया लाइन अप कर दिया ठीक है उसके बाद अब क्या होगा नेक्स्ट अब क्या होगा रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स प्रोड्यूस होंगी जब रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो क्या होगा कि जो इस एटम के अंदर प्रोटॉन्स थे लगे हुए ठीक है वो सिग्नल्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे ठीक है वो सिग्नल्स जब प्रोड्यूस होंगे तो वो सिग्नल्स हमें हेल्प करेंगे कि उसी बॉडी के पार्ट का इमेज जो है वो हमारे पास MRI की फॉर्म में जो है वो आ जाए ठीक है अभी हम आगे मशीन पढ़ते हैं तो आपको ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ठीक है ये इसके इंस्ट्रूमेंटेशन पे हम देखते हैं कि देखिए अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि ये पूरा हमारे पास एक MRI मशीन है या MRI स्कैनर है ठीक है ये पेशेंट टेबल है इससे पेशेंट लेटता है फिर ये ऐसे करके इस टनल के अंदर चला जाता है ठीक है और उसके बाद क्या होता है इसके अंदर ये जो है वो मैग्नेट लगा हुआ है ठीक है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉयल है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉयल जिसने रेडियो वेव्स जो है वो प्रोड्यूस करनी है ठीक है नीचे हमारे पास क्या लगा हुआ है स्कैनर लगा हुआ है ठीक है तो अब हमने क्या किया पेशेंट को लिटाया इस बेड के ऊपर ये बेड से ये मूव हुआ ये बेड मूव होकर अंदर चला गया पेशेंट यहाँ तक पहुँच गया इस टनल के अंदर ठीक है अब इस टनल के अंदर गया तो क्या हुआ कि ये जो हमारे पास मैग्नेट था इसके अंदर लगा हुआ ठीक है इस मैग्नेट ने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया अंदर ठीक है जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई तो जो इस पेशेंट के बॉडी के अंदर हाइड्रोजन एटम्स थे जो कि इस फॉर्म के अंदर थे
इस फॉर्म के अंदर थे, वो मैग्नेटिक फील्ड से अलाइंड हो गए, इस तरह से हो गए, ठीक है। अब इस तरह से हो गए, इसके बाद क्या होगा कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉयल थी, इसने क्या किया, रेडियो वेव्स जनरेट की हैं, ठीक है। वो रेडियो वेव्स जो इसने जनरेट की हैं, उन्होंने जाके जो इन एटम्स के अंदर, ठीक है, जो प्रोटॉन्स लोकेटेड थे उनके ऊपर जाके उन्होंने एक्ट किया। जब उन्होंने जाके उसके ऊपर एक्ट किया रेडियो वेव्स ने, तो वहाँ से सिग्नल्स एमिट हुए, ठीक है। वो जो सिग्नल्स एमिट हुए, उन्होंने क्या किया कि आपको इमेज जो है वो पेशेंट का दिखा दिया। लेट सपोज हम कहते हैं कि पेशेंट इस तरह लेटा हुआ है, तो हमने इसकी स्पाइन का एमआरआई कर रहे हैं, ठीक है ना, लंबर रीजन का कर रहे हैं, एमआरआई कर रहे हैं। तो जब वो सारे सिग्नल्स जनरेट हुए, उन्होंने उसके जो था पेशेंट का लंबर रीजन था उसके इमेज लिया और हमें कंप्यूटर के ऊपर जो है वो उसका इमेज जो है वो शो कर दिए। क्लियर हुआ आपको एमन? यस मैम, थैंक यू। ये ना स्टेप बाय स्टेप आप बच्चों याद करेंगे तो आपको बड़ा इजीली याद हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, हम बुक की तरफ अगर जाते हैं तो डिफरेंट बुक्स में बहुत डिफरेंट तरह से इसको जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आपको इस लेवल पे समझ नहीं आएगा और आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने आपको सिंपल सा जो एक बात बताई है उसको आप जो है वो स्टेप में याद रखें तो इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। अच्छा, ने आपको बताया था कि ये देखें, ये हो गया हमारे पास मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है। ये पेशेंट हमने अंदर जो है वो टनल के इसको जो है वो इंसर्ट किया, ठीक है। ये यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल्स लगी हुई होती हैं, ठीक है, जो कि रेडियो वेव्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं। और ये मैग्नेट है, ये ग्रेडियंट कॉइल लगी हुई होती है, ये इसकी डिफरेंट जो है वो पार्ट्स हैं बेसिकली इक्विपमेंट के, ठीक है। तो आप जो है वो इतना ही याद रख लें, ठीक है, कि एक मैग्नेट लगा हुआ है, एक रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल है इसके अंदर, ठीक है, और स्कैनर लगा हुआ होता है इसके अंदर, ठीक है, और ग्रेडियंट कॉइल लगी हुई होती है, दैट्स इट। अब इसमें बच्चों हमारे पास डिफरेंट तरह की एमआरआई मशीन की शेप्स होती हैं, ठीक है। नंबर वन पे हमारे पास आ जाती है ये वाली, सेकंड, ये आगे पीछे क्यों हुई है, ओके, ये जो है वो बेसिकली हमारे पास है क्लोज, चलिए मैं इसका नाम ऐड कर दूंगी। ये है हमारे पास क्लोज्ड एमआरआई मशीन, ठीक है, क्लोज्ड एमआरआई मशीन। और इस मशीन के अंदर जो है वो बेसिकली क्या होता है कि मैं इसका नेम ऐड कर दूंगी, ठीक है। ये क्लोज एमआरआई है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि ये पेशेंट का टेबल है, हम पेशेंट को लिटाएंगे और पेशेंट इस टनल के अंदर चला जाएगा, ठीक है, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा है। उसके अलावा हमारे पास इस तरह का ओपन एमआरआई भी होता है, ठीक है, ओपन एमआरआई है, यानी कि पेशेंट इसके ऊपर लेटेगा और ये इसके अंदर जाएगा और यहाँ से जो है वो एमआरआई पेशेंट का हो जाएगा और पेशेंट जो है वो इजीली बाहर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि टनल इसके अंदर नहीं है। ये जो यहाँ पर टनल है, जिस टनल के अंदर पेशेंट जाता है और एमआरआई हम करते हैं, अब इसके अंदर क्या है कि टनल नहीं है और ये इस तरह से ओपन है, ठीक है। और थर्ड वन हमारे पास आ जाता है अपराइट एमआरआई। अपराइट एमआरआई जो है वो इस तरह का होता है जिसमें पेशेंट जो है वो अपराइट पोजिशन में बैठता है, ठीक है, जैसे देखें सिटिंग में या स्टैंडिंग में हम पेशेंट का एमआरआई कर लेते हैं। और यूजली ये हम जो है वो करते हैं डिफरेंट जॉइंट्स के लिए या डिफरेंट बोन्स के लिए, ठीक है। जैसे कि अब आप देखेंगे शोल्डर का अगर हमने करना है तो इजीली यहाँ से हो जाएगा डिटेक्ट। अगर हमने जो है वो नीज का करना है, एंकल्स का करना है, तो वो हम इजीली इस तरह डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बट द थिंग इज के जो हमारे पास इस वक्त आपने, आई डोंट थिंक सो कि आप में से किसी ने ये अपराइट या ओपन जो है वो एमआरआई देखा हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवांस जो है वो मशीन्स हैं, ठीक है, एमआरआई की, और एक्सपेंसिव भी हैं, ठीक है, और इस वजह से ये हमारे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये आई थिंक अब्रॉड में तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इतना ज़्यादा जो है वो ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हमारे पास ये जो क्लोज्ड एमआरआई मशीन है जिसमें टनल होती है और पेशेंट टनल में जाता है, यही हमारे पास जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। एनीवेज आप लोग जो है वो याद रखें कि ये थ्री तरह की हमारे पास शेप्स की एमआरआई मशीन जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। ओपन होती है, सॉरी क्लोज्ड होती है, ओपन होती है, और थर्ड कौन सी होती है, अपराइट एमआरआई होती है। ओके, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैग्नेटिक फील्ड टेम्परेरली रियलाइंस हाइड्रोजन एटम्स इन योर बॉडी, रेडियो वेव्स कॉज दीज अलाइन एटम्स टू प्रोड्यूस सिग्नल्स, सिग्नल्स यूज टू क्रिएट क्रॉस सेक्शनल एमआरआई इमेजेस, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि बच्चों आप लोग प्लीज़ अपना माइक म्यूट रखा करें, जो बात हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, हमारी बॉडी में जो हाइड्रोजन एटम्स पड़े हुए हैं उनको अलाइन करेगी, ठीक है, प्रॉपर वे से अलाइन करेगी। उसके बाद क्या होगा कि जब वो अलाइन हो जाएंगे
तो रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉयल जो थी वो रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करेगी. वो वेव्स जो हैं वो अलाइंड हाइड्रोजन आइटम्स के अंदर जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उनके ऊपर जाके क्या करेगी, एक्ट करेगी. वहाँ से सिग्नल्स जनरेट होंगे और वो सिग्नल्स फिर क्या करेंगे, हमारे पास क्रॉस सेक्शन MRI इमेज जो है वो हमें शो कर देंगे. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक मैकेनिज्म ऑफ MRI, जो कि आप लोग जो है वो इसको इस तरह याद रखें, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर वाइवा कि MRI का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है. ठीक है, ओके, स्टेप्स इन MRI इमेज एक्विजिशन. ठीक है, जो हमने सिंपल MRI का कोई भी एक इमेज लेना है तो वो किस तरह से हमें नज़र आता है, इसमें हमारे पास 5 सिंपल स्टेप्स हैं. पेशेंट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेट. ठीक है, यानी कि मैग्नेट यानी कि जो हमारा MRI का टनल है उसमें आप पेशेंट को प्लेस करते हो. ठीक है, रेडियो वेव इज सेंट इन, यानी कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉयल है उसने क्या करना है, रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करनी है. ठीक है, रेडियो वेव इज टर्न ऑफ. फिर उसके बाद क्या होगा कि जब टर्न ऑफ हो गई रेडियो वेव, ठीक है, उसके बाद पेशेंट इमिट करेगा सिग्नल, यानी कि जो उसके प्रोटॉन्स हैं बॉडी के वो एक इमिट करेंगे सिग्नल, एंड द इमिटेड सिग्नल फ्रॉम द पेशेंट इज यूज्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इमेज. और वो जो सिग्नल है वो क्या करेगा, आपकी बॉडी का जो भी हिस्सा है उसका इमेज ले लेगा. ठीक है, मैं अब आपको दोबारा से एक दफ़ा फिर से क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट आया है कि रेडियो वेव इज सेंट इन एंड रेडियो वेव इज टर्न्ड ऑफ. ठीक है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि रेडियो वेव जो ऑन हुई है और ऑफ हुई है तो ये क्या है. ठीक है, अब बच्चों फिर से सुनने, सिंपल, पेशेंट आया, पेशेंट को आपने पेशेंट टेबल पे लिटाया. ठीक है, पेशेंट टेबल पे मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ. ठीक है, पेशेंट आया, पेशेंट लेटर को आपने पेशेंट टेबल पे लिटाया, उसको हमने प्लेस कर दिया इस टनल के अंदर. ठीक है, टनल के अंदर प्लेस किया, हमने MRI मशीन ऑन कर दी. जैसे ही हमने ऑन की है, ये जो मैग्नेट लगा हुआ है इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है. ठीक है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, मैग्नेटिक फील्ड ने आपके बॉडी के अंदर जितने भी हाइड्रोजन एटम्स थे उनको क्या कर दिया, अलाइंड अप कर दिया इन अ प्रॉपर वे. ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम्स क्या हो गए, अलाइन अप हो गए. हाइड्रोजन एटम अलाइंड अप हो गए, उसके बाद क्या हुआ है कि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉयल जो थी इसने रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स जो है वो प्रोड्यूस किए हैं. ठीक है, अब इन वेव्स ने क्या किया कि जो हाइड्रोजन एटम अलाइंड अप हो चुके हुए थे ऑलरेडी, ठीक है, उनको उनके अंदर जो प्रोटॉन्स लोकेटेड थे उनके ऊपर जाके इसने क्या किया है, एक्ट किया है. ठीक है, उनको एक्साइट किया. जब उनको एक्साइट किया तो वहां से क्या हुआ, प्रोटॉन्स ने एक सिग्नल इमिट किया. ठीक है, अब वो जो सिग्नल इमिट हुआ है उसने क्या किया है कि आपकी बॉडी का एक स्पेसिफाइड इमेज आपको MRI की फॉर्म में दिखा दिया. ठीक है, ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया. उसके बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी जो ने एक जो वेव क्रिएट की थी वो कंप्लीट होगी, खत्म होगी. अब दोबारा से अगेन ये सारा प्रोसेस रिपीट होगा. ठीक है, कि रेडियो वेव्स दोबारा से एक नई वेव्स प्रोड्यूस करेंगी, दोबारा से वो जो प्रोटॉन्स थे वो एक्साइट होंगे, वो एक सिग्नल इमिट करेंगे, वो फिर इमेज आपका एक देंगे, फिर इसी तरह से रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉयल एक और वेव प्रोड्यूस करेगी, फिर प्रोटॉन्स उनको जो है वो डिटेक्ट करेंगे, एक सिग्नल इमिट करेंगे और एक इमेज आएगा. तो ये प्रोसेस जो है वो पूरा चलता रहता है. ऑलमोस्ट अगर आप देखें कि MRI कितने मिनट का होता है तो हमारे पास ये जो है वो 30-40 मिनट्स का प्रॉपर जो है वो मैकेनिज्म होता है. ठीक है, मतलब मिनिमम 30 मिनट्स इसके अंदर जो है वो MRI में हमारे पास लग जाते हैं. ठीक है, सो द रीज़न इज़ कि ये जो प्रॉपर पूरा प्रोसेस हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ने बनना है, उसने हाइड्रोजन को अलाइन करना है, फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉयल ने रेडियो वेव्स जनरेट करनी है, उन वेव्स ने जाके प्रोटॉन्स को एक्साइट करना है, फिर प्रोटॉन्स ने सिग्नल इमिट करना है, फिर सिग्नल ने जो है वो इमेज हमारे पास बनाना है, और फिर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा. ठीक है, तो ये जो है वो प्रोसेस ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक जो है वो इस तरह से कंटिन्यूसली जो है वो चलता रहता है. ठीक है बच्चों, द इमिटेड एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन्स वंस द रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स इज स्टॉप्ड इज अफेक्टेड बाय इन विच द टिश्यू इट रिसाइड्स, फैट, मसल, लिगामेंट, बोन, ब्रेन एटसेट्रा. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव बनाई थी रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉयल ने, ठीक है, जब वो स्टॉप हो जाती है तो डिपेंड करता है कि जिस टिश्यू के ऊपर जिस आपकी बॉडी के मॉलिक्यूल्स जो जिस टिश्यू के हाइड्रोजन एटम के ऊपर उसने एक्ट किया है वो टिश्यू किस टाइप का है. ठीक है ना, वो फैट टिश्यू था, वो मसल टिश्यू था, वो लिगामेंट था, वो ब्रेन थी, वो बोन था, वो क्या था. ठीक है, तो जिस टाइप का टिश्यू होगा फिर वो उसी टाइप का आपको इमेज दिखाएगा. जैसे हमने स्केल पढ़ा था, ठीक है ना, कि ग्रे हमने पढ़ा था कि हमें एयर ब्लैक नजर आएगी, ये हमें मसल इस तरह का नजर आएगा एक्सरेज में. इसी तरह से ही आपके डिफरेंट टिश्यूज हैं बॉडी में, तो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं वो डिफरेंट टिश्यूज उसको अपने अकॉर्डिंगली जो है वो क्या करेंगे, सिग्नल्स इमिट करेंगे. ठीक है, और वो डिफरेंट तरह से आपको MRI के ऊपर नजर आएगा, कुछ ब्लैक नजर आएगा, कुछ ग्रे नजर आएगा, कुछ लाइट नजर आएगा एरिया, कुछ ब्राइट नजर आएगा, कुछ क्या नजर आएगा. ठीक है बच्चों, तो अब आप में से कोई भी बच्चा जिसको इशू है मुझे बता दें, कि अगर आपको अभी तक का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है MRI मशीन का वो नहीं समझ आया तो मुझे बता दें, क्योंकि थोड़ा सा आई थिंक ये डिफरेंट है.
तो मुझे लग रहा है कि आपको शायद समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो आप बता दें, थोड़ा सा सिंपल नहीं है एक्चुअली ये, तो आप में से किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में, नहीं पता चला अब तक, तो मुझे बता दें ये जो कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। हैंड रेज कर दें अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है। सबको क्लियर हो गया है? अक्सा नज़ीर बेटा आप मुझे बताएं क्या समझ आया है? अक्सा नज़ीर शाबाश, जल्दी से। अक्सा नज़ीर आप क्लास में प्रेजेंट हैं? अच्छा जी, अब्दुल हनान ने नहीं, जोया ने हैंड रेस किया हुआ जी। जोया नदीम बताएं बच्चे। मैम ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स खुद ही स्टॉप होंगी या हमने खुद करनी है? इसको हम नहीं हो रहा कि आपने पहले ये ना, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है तो हम जो है ना वो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप लोग हम यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करते हैं, ठीक है, जो वॉशिंग मशीन होती है, तो उसमें आप क्या करते हो, आप उसके अंदर हम लोग सेट कर देते हैं ना, हर चीज़ सेट कर देते हैं कि इतने मिनट के लिए जो है वो मशीन जो है वो रोटेट करेगी, इतने मिनट के बाद जो है वो क्या होगी, ये स्टॉप हो जाएगी, इतने मिनट के बाद जो है वो ये जो है वो इसमें स्पिनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इतने मिनट के बाद ही होगा। तो हम क्या करते हैं, वो सारी जो प्रोग्राम है वो उस मशीन के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से ही जब हम MRI जो है वो करने लगते हैं तो हम ये सारा कुछ जो है वो पहले इंस्टॉल कर देते हैं ऐसे मशीन के ऊपर, ठीक है, कि रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव ने एक दफ़ा जनरेट होना है, उसके बाद 5 सेकंड बाद दोबारा जनरेट होगी, फिर 10 सेकंड बाद दोबारा जनरेट होगी, इतने मिनट बाद दोबारा जनरेट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो इतने सेकंड बाद ये सब कुछ होगा, ठीक है। तो वो जो पूरा प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिक है, और वो हमने ही इंस्टॉल करना है जब हमने पेशेंट को उसकी टनल के अंदर प्लेस करना है, तो ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक अब आपको यहाँ तक क्लियर है, अगर सबको क्लियर है तो फिर हम आगे जाते हैं। रेपिटिशन टाइम, TR टाइम इसको हम कहते हैं। अब रेपिटिशन के टाइम क्या है बच्चों? टाइम फॉर एप्लीकेशन ऑफ वन रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स टू द एप्लीकेशन ऑफ द नेक्स्ट, और द टाइम बिटवीन टू एक्साइटेशन इज कॉल्ड द रेपिटिशन टाइम। इतना इसको आप इग्नोर कर दें, ये 3 ऊपर वाली लाइंस जो है इस पे फोकस करना है आपने, ठीक है। टाइम फॉर द एप्लीकेशन ऑफ वन रेडियो फ्रीक्वेंसी टू द एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स जनरेट होगी, ठीक है, प्रोटॉन्स को एक्साइट करेगी, प्रोटॉन्स सिग्नल्स इमिट करेंगे, ठीक है, फिर क्या होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो जो एक जनरेट हुई सिग्नल इमिट हुआ, इमेज बना, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ये जो इसके दरमियान में टाइम आ रहा है कि एक वेव जनरेट पल्स जनरेट हो रही है, वो सिग्नल इमिट कर रही है, फिर नेक्स्ट, तो ये क्या है हमारे पास, रेपिटिशन टाइम है, ठीक है, इसको हम कहते हैं TR टाइम। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टाइम टू इको, TE, ठीक है, टाइम बिटवीन RF एक्साइटेशन पल्स एंड कलेक्शन ऑफ सिग्नल्स और द इंटरवल इन विच द सिग्नल्स आर मेजर्ड आफ्टर रेडियो फ्रिक्वेंसी एक्साइटेशन इट्स कॉल्ड एज द इको टाइम, ठीक है। यानी कि आपने क्या हुआ कि रेडियो पल्स जो थी वो पहले अच्छा मलिहा ने हैंड रेस किया, बस मैं इसको ज़रा कंप्लीट कर दूँ फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब क्या है, टाइम टू इको इज बेसिकली के टाइम बिटवीन RF एक्साइटेशन पल्स एंड कलेक्शन ऑफ सिग्नल्स, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉयल ने रेडियो वेव्स प्रोड्यूस की, ठीक है, उन्होंने जाके किसको एक्साइट करना था, प्रोटॉन्स को एक्साइट करना था, ठीक है, तो प्रोटॉन्स को जब उन्होंने एक्साइट करना था तो प्रोटॉन्स ने उस सिग्नल को कैच भी करना था, ठीक है, तो वो जो उन्होंने कैच किया है, ठीक है, और वो एक्साइट हुए हैं, दैट इज़ बेसिकली द इको टाइम, ठीक है। तो अब जैसे अभी बच्चे ने सवाल किया था यहाँ पे कि मैम जो है वो ये स्टॉप खुद ही होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो अगेन वही बात है कि मशीन के ऊपर हमारे पास TR टाइम और TE टाइम, ये दोनों जो हैं वो क्या होंगे, ऐसे होंगे, यहाँ पे मैं सेट कर दूँगी TR टाइम इतना है और TE टाइम जो है वो इतना होना चाहिए, ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली सारा जो है वो सिस्टम जो है वो प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि टाइम फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ वन रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स टू द एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट, ठीक है, कि रेडियो कॉयल ने पल्स जनरेट की, ठीक है, उस सारा सिग्नल हो गया, प्रोटॉन्स ने उसको कैच किया, ठीक है, और उसके बाद सिग्नल्स इमिट हुए और हमारे पास इमेज आ गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास रेपिटिशन टाइम, दोबारा से वो टाइम आया, दोबारा दोबारा दोबारा, ये रेपिटिशन टाइम हो गया। अब वो कहते हैं टाइम टू इको या TE क्या है, TE ये है कि टाइम बिटवीन RF एक्साइटेशन पल्स एंड कलेक्शन ऑफ सिग्नल, ठीक है, यानी कि जो प्रोटॉन्स ने सिग्नल्स को कलेक्ट किया या रेडियो पल्स जो थी उसको जो कलेक्ट किया है और उन्होंने सिग्नल्स इमिट किए हैं,
ठीक है, वो जो टाइम है स्पेसिफिक वो हमारे पास क्या है, इको टाइम है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा इजी करके समझाती हूँ कि देखें, दो लोग अगर खड़े हुए हैं ठीक है एक डिस्टेंस के साथ, एक जो है वो क्या करेगा, हम बॉल कैच कर रहे हैं ठीक है, मैंने बॉल लेट सपोज मलिहा ने हैंड रेज किया हुआ, ठीक है मलिहा मेरे सामने खड़ी हुई है और मैं खड़ी हुई हूँ, तो मैंने बॉल जो है वो क्या किया है फेंका है ठीक है, और मलिहा ने क्या किया उसको कैच किया है ठीक है। तो ये जो मैंने बॉल फेंका है ये क्या है कि रेडियो वेव्स, मैंने मैं रेडियो कॉयल हूँ और मैंने रेडियो वेव्स जनरेट की हैं ठीक है, और मलिहा इस वक्त क्या है प्रोटॉन है जिसने उसको क्या किया है कैच किया है ठीक है। तो ये जो मैं बॉल फेंक रही हूँ, मैंने एक दफ़ा बॉल फेंका उन्होंने कैच किया, दूसरी दफ़ा मैंने बॉल फेंका उन्होंने कैच किया ठीक है, ये तो जो मैं बॉल बार बार फेंक रही हूँ कितने डिस्टेंस से, कितने टाइम के इंटरवल से फेंक रही हूँ, ये क्या है रेपिटिशन टाइम है ठीक है। और मलिहा जो कि उसको कैच कर रही हैं ठीक है, वो कैच करती हैं और मुझे मेरी तरफ वापस फेंकती हैं ठीक है ना, वो क्या है टाइम टू इको है ठीक है, कि मैंने उनको बॉल फेंका उनके प्रोटॉन्स को एक्साइट किया, उन्होंने क्या किया उन सिग्नल्स को कलेक्ट करके जो है वो सिग्नल इमिट किया ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम टू इको है ठीक है। अब मैं आपको टाइम रेपिटिशन टाइम और टाइम टू इको पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि आगे जो है वो ज़्यादातर इमेजेस जो हैं वो इन दोनों ही पॉइंट्स के साथ जो है वो रिलेटेड है। तो अब अगर आपको स्टिल ये नहीं समझ आया तो मुझे बता दें, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जी मलिहा आपने हैंड रेस किया था, अनम्यूट हैं आप सब। जी मलिहा स्टूडेंट ने हैंड रेस किया हुआ था। बच्चों सबको क्लियर है, ये किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? रेपिटिशन टाइम एंड टाइम टू इको आपको क्लियर हो चुका? जी मलिहा आपने हैंड रेस किया तो बताएं बेटा। मैम बाय मिस्टेक हो गया। ओके फाइन, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक अब आपको मैकेनिज्म समझ आ गया होगा, मैंने आपको काफ़ी इसको इजी करके जो है वो मैंने ट्राई किया कि आपको समझ आ जाए ठीक है। वो फाइव स्टेप्स याद रखें जो कि मैंने आपको बताया है, जिसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ठीक है, सिंपल पेशेंट डाला है एंड ऑल दैट। उसके बाद ये रेपिटेशन टाइम जो मैंने आपको बताया है, इसको बेशक ये बॉल वाली एग्जाम्पल से याद रख लें, याद रखने के लिए अब ये नहीं है कि आप लोग कहेंगे कि जो है वो MRI मशीन के अंदर बॉल ही निकल रहा है ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया बिकॉज आई थिंक कि आपको लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा बच्चों अब हमें TR और TE टाइम का पता चल चुका है ठीक है। बाय वेरिंग द TR एंड TE वन कैन ऑब्टेन T1W1 एंड T2W1 ठीक है। अब ये T1W1 और T2W1 क्या है, ये हमारे पास इमेजेस होते हैं MRI के अंदर ठीक है, डिफरेंट तरह के इमेजेस होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था एक्सरे के अंदर के इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू होता है, ओब्लिक व्यू होता है, पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू होता है ठीक है ना, इसी तरह से ही MRI के अंदर हमारे पास T1 वेटेड इमेजेस और T2 वेटेड इमेजेस होते हैं ठीक है। इसी तरह से प्रोटॉन डेंसिटी इमेज होता है, फ्लेयर इमेज होता है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास इमेज होते हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे, हम T1 और T2 के ऊपर ही जो है वो ज़्यादा फोकस करेंगे ठीक है बच्चों। तो अब TR और TE इसको जब हम दोनों को वेरी करेंगे तो हमारे पास ये दो डिफरेंट तरह के इमेज आ जाएंगे ठीक है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि जब हमने एक्सरे पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था कि हम अगर पेशेंट को जो है वो क्या करते हैं रेडियो एक्सरेज अगर उसकी बॉडी से इंटीरियरली पास कर रही हैं तो क्या होगा, इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू आएगा ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि अगर बॉडीज के पोस्टीरियर से पास कर रही हैं रेज तो कौन सा व्यू आएगा, पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू आएगा ठीक है, इतना आप सबको याद है। तो इसी तरह से ही बच्चों अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि TR और TE को चेंज करना है और इसकी बेस पे हमने डिफरेंट तरह के इमेजेस जो हैं वो लेने हैं ठीक है। अब वो कहता है कि इन शॉर्ट शॉर्टर TR ठीक है, अगर हमने TR मैंने यहाँ पे शॉर्ट रखा है, मैंने कहा कि 1000 मिली सेकेंड्स का जो है वो TR होगा ठीक है, और TE जो है वो भी शॉर्ट है तो हमारे पास T1W1 इमेज आएगा ठीक है। इसी तरह से अगर TR जो है वो लॉन्ग है और TE भी जो है वो लॉन्ग है तो हमारे पास T2W1 इमेज आएगा ठीक है, और इसी तरह से अगर TR लॉन्ग है और TE शॉर्ट है तो प्रोटॉन डेंसिटी इमेज आएगा। मज़ीद अगर इसको हम सिंपल करें तो अगर TR और TE दोनों शॉर्ट होंगे तो T1W1 इमेज आएगा, और अगर TR और TE दोनों लॉन्ग होंगे तो T2W1 इमेज आएगा ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर TR लॉन्ग और TE शॉर्ट होगा तो प्रोटॉन डेंसिटी इमेज आ जाएगा ठीक है बच्चों। तो ये आपको क्लियर है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो हैंड रेस करें।
ओके देन बेसिक सीक्वेंसेस T1, अब जैसे मैंने आपको बताया है कि T1 W1 एक हमारे पास इमेज होता है, इसी तरह से T2 W2 इमेज होता है, आप इसको खाली T1 T2 इमेज भी जो है वो कह सकते हैं, ठीक है, और एक प्रोटॉन डेंसिटी इमेज होता है. सो जो बच्चों T1 होता है वो यूजली हम एनाटॉमी को देखने, अगर हमने कोई भी एनाटॉमिकल चेंजेस देखनी है तो उसके लिए हम T1 इमेज लेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरे पास पेशेंट फ्रैक्चर के साथ आ गया, ठीक है, अब मैंने पेशेंट को स्कैनर में लिटा दिया, अब मेरे पास ये मशीन है, मैं यहाँ से ऐसे करके जो है वो चूज कर लेती हूँ T1 इमेज, ठीक है, ताकि मैं उसकी एनाटॉमी देख सकूँ क्योंकि मुझे पता है कि पेशेंट फ्रैक्चर के साथ आया है, ठीक है. इसी तरह से T2 इज डिटेक्ट पैथोलॉजिकल चेंजेस या पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हो रहे हैं, एडिमा है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, कोई डीमाइलिनेशन हुई हुई है, वट एवर इट इज़, ठीक है. तो अगर मुझे लगता है कि पेशेंट मेरे पास किसी पैथोलॉजी के साथ है तो मैं यहाँ से T2 सेलेक्ट कर लूँगी और वो मेरे पास T2 इमेज आ जाएगा, ठीक है. तो ये हमारे पास डिफरेंट व्यूज़ हैं और इन व्यूज़ का जो है वो डिफरेंट क्या है हमारे पास पर्पस है. इसी तरह से जो प्रोटॉन डेंसिटी है दैट इज फॉर द लिगामेंटस एनाटॉमी, ठीक है, जो लिगामेंट्स हैं हमारी बॉडी में, जब उसके लिए हमने जो है वो कोई इमेज अगर प्रॉपर देखना हो तो हम फिर प्रोटॉन डेंसिटी जो है हमारे पास व्यू उसको जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं. आपको पता है हमारी बॉडी में डिफरेंट लिगामेंट्स हैं, स्पेसिफिकली इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो नी में लोकेटेड होता है, इसके बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आपके पास आते हैं, ठीक है. उसके अलावा जो हमारा होता है डेल्टॉइड लिगामेंट एंकल का, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टियर होता है, इसके बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं. एनीवेज देयर आर नंबर ऑफ लिगामेंट्स और उसके लिए हम स्पेसिफिकली ये यूज़ करते हैं, ठीक है. इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ T1 में एनाटॉमी ही नज़र आएगी, T1 में आपको पैथोलॉजीज भी नज़र आएंगी, बट जो स्पेसिफाइड व्यू है एनाटॉमी के लिए वो T1 है और जो स्पेसिफाइड व्यू है T2 के लिए पैथोलॉजीज के लिए वो T2 है, ठीक है ना. इसमें हमें पैथोलॉजीज भी नजर आएंगी, एनाटॉमी भी आएगी, इसमें भी एनाटॉमी और पैथोलॉजी दोनों होगी, लेकिन ज़्यादा अच्छा हमें जो शो करेगा वो T1 एनाटॉमी करेगा और T2 पैथोलॉजीज करेगा. ओके, MR images are commonly acquired using spin echo pulse sequence. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि वो क्या होगा कि वो जो पल्सेस जनरेट होंगी और फिर आपके पास इमेज आएगा. T1 and T2 weighted images are obtained for examination of oral and maxillofacial regions. ठीक है, अगर आपने orally या maxillofacial regions का भी image लेना है तो हम इसके लिए T1, T2 यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है. ये आपके इतना काम का नहीं है क्योंकि आपने मैक्सिलोफेशियल रीजन्स को वैसे ही भी इतना वो नहीं करना होता, बट एनीवेज क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ओवरऑल ये मैक्सिलोफेशियल रीजन्स के लिए हम कौन से इमेजेस यूज़ कर सकते हैं MRI के, ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए T1 एंड T2 वेटेड इमेजेस, ठीक है, या जिसको T1 W1 और T2 W2 कहते हैं. T1 weighted images anatomical evaluation के लिए और T2 जो है pathological के लिए, जो भी हम पहले already पढ़ चुके हैं. Both T1 and T2 weighted images are studied for disease detection, extent and character. ठीक है, कि आपने किसी भी study को disease को properly पढ़ना है, क्या उसकी pathology है, क्या उसकी anatomy है, कितना जो है वो spread हुआ हुआ है, क्या character है उसका, तो आप उसके लिए फिर दोनों हम images जो है वो use करते हैं और उस disease को proper in detail जो है वो study करते हैं. Images in the coronal axial planes are routinely obtained for three-dimensional evaluation of disease in MR examination. Images in the sagittal plane are sometimes added. To understand normal MRI anatomy of oral and maxillofacial region, it is necessary to be familiar with some terms that express MR signals intensities. Okay, so बच्चों जिस तरह हमने पढ़ा था brain का CT और उसमें हमने different, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हम planes में जो है वो body का CT लेते हैं, ठीक है. Coronal plane थे, axials में हमने देखा था, sagittal section में हमारे पास जो था वो body के image थे, ठीक है, और हमने उसको study किया था. इसी तरह से ही MRI भी चूँकि आपको जो है वो डिफरेंट प्लेन्स में थ्री डायमेंशनल इमेज दे रहा होता है, तो हम क्रोनल प्लेन्स में भी बॉडी का इमेज देख सकते हैं, इसमें एक्सियल प्लेन में भी देख सकते हैं और सेजिटल प्लेन में भी देख सकते हैं, ठीक है. थ्री प्लेन्स में हम बॉडी के इमेज को जो है वो विद द हेल्प ऑफ MRI जो है वो देख सकते हैं. बच्चों यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम. अच्छा, अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है दैट इज दिस वन. अच्छा, अभी फ्लेयर को आप बेशक जो है वो इग्नोर कर दें, ठीक है, या अगर आपने ऐड करना है तो चलें ऐड कर भी सकते हैं हम. मैं चाह रही थी कि हम T1 एंड T2 पे ही अभी फोकस करें बिकॉज आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. अच्छा बच्चों, अब T1 हमें क्लियर हो गया क्या था और T2 भी हमें क्लियर हो गया क्या था, ठीक है. हमें पता चल गया कि रेपिटेशन टाइम क्या था, हमें पता चल गया कि TE जो कि इको टाइम था वो क्या था, ठीक है. उसी की बेस पे हमने फिर क्या बनाया, T1 वेटेड और T2 वेटेड इमेजेस बना लिए. इसमें रेपिटिशन और इको टाइम शॉर्ट था, इसमें रेपिटिशन और इको टाइम क्या था, लॉन्ग था, ठीक है बच्चों. अब द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब आपको MRI नज़र आएगा, लेट सपोज ये ब्रेन का MRI है, ठीक है ना, तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि ये T1 इमेज है या ये T2 इमेज है,
तो अब होता यह है कि जो हमारे पास डिफरेंट बॉडी के टिश्यूज हैं T1 T2 इसको डिफरेंट तरह से डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CSF जो है वो आपको T1 में डार्क नज़र आएगा और T2 में आपको ब्राइट नज़र आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ वेंट्रिकल्स, ठीक है, और वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, CSF होता है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे जो T1 है उसमें हमें डार्क नज़र आ रहा है, ये ब्लैक सा डार्क सा इमेज नज़र आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि CSF इसमें डार्क हो गया और इसमें T2 में क्या हुआ है कि CSF ब्राइट हो गया, ओके। तो ये नंबर वन डिफरेंस हो गया। अब नंबर टू में क्या है, वाइट मैटर लाइट नज़र आएगा और इसमें जो है वो वाइट मैटर डार्क नज़र आएगा, ठीक है। ये है हमारे पास सारा वाइट मैटर, ये जो इनसाइड होता है आपको पता है ब्रेन में इनसाइड जो है वो वाइट मैटर होता है और आउटसाइड ग्रे मैटर होता है, ठीक है। तो ये इनसाइड सारा वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है, ये वाइट मैटर है और ये हमें किस तरह का नज़र आया है, लाइट ग्रे कलर का भी, आप इसको लाइट कलर भी कह सकते हैं, इसको लाइट ग्रे भी कह सकते हो, ठीक है। और जो T2 था उसमें वो कहता है हमें डार्क ग्रे कलर का नज़र आएगा, तो आप ये देखें ये सारा वाइट मैटर क्या हो गया है, डार्क हो गया है। बच्चों इतना तो अंदाज़ा है ना आपको कि वाइट मैटर और जो है वो ग्रे मैटर ब्रेन का जो है वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होता है, या ये भी बताने की ज़रूरत है, आइडिया है सबको, किसी को कोई मसला? मैं आपको एक इमेज दिखा देती हूँ ताकि आपका अगर किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, ये देखें बच्चों दिस इज ब्रेन, ठीक है, दिस इज बेसिकली द वाइट मैटर, ओके, एंड दिस इज बेसिकली द ग्रे मैटर, ठीक है। तो अब आपने सारे इमेजेस में ये वाइट और ग्रे मैटर का ध्यान रखना है, ये वाइट मैटर है इनसाइड वाला और आउटसाइड वाला हमारे पास क्या है, ग्रे मैटर है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे थे कि T1 जो है वो हमें वाइट मैटर दिखाता है लाइट कलर का और T2 हमें डार्क ग्रे कलर का दिखाता है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, CSF हो गया, वाइट मैटर हो गया। उसके बाद आ रहे हैं कॉर्टेक्स पे, यहाँ पे जो हमारा ग्रे मैटर है, ठीक है, वो कहता है ग्रे मैटर जो है वो T1 आपको दिखाता है किस कलर का, ग्रे कलर का, ये आपको नज़र आ रहा है ग्रे कलर का नज़र आ रहा है, डार्क ग्रे नहीं है, सिंपल ग्रे कलर है, ठीक है। और T2 जो है वो हमें दिखाता है ग्रे मैटर किस तरह का, लाइट ग्रे कलर का, ठीक है। ये देखिए आपको लाइट ग्रे कलर का नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है ग्रे मैटर सारा, ओके। इसके अलावा फैट विद इन द बोन मैरो, फैट आपको ब्राइट नज़र आएगा T1 में, ठीक है, और लाइट नज़र आएगा किस में, T2 में। अब यहाँ पे फैट नहीं है, जब हम पढ़ेंगे मस्कुलोस्केलेटल तो उसमें नज़र आएगा ये, ठीक है। इसके अलावा कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन है, कोई डीमाइलिनेशन हुई हुई है, तो T1 उसको हमें दिखा रहा है डार्क और T2 हमें किस तरह की दिखा रहा है, ब्राइट दिखा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि T1 हमें एनाटॉमी दिखाता है और T2 हमें क्या दिखाता है, पैथोलॉजीज दिखाता है, ठीक है, यही हमने पढ़ा था पीछे, ठीक है। अब इसका रीज़न, फॉर एग्जांपल मैं वाइवा में पूछती हूँ तो ऐसा क्यों है, ठीक है, कि T1 हमें जो है वो एनाटॉमी के लिए हम यूज़ करें और T2 जो है वो हम यूज़ करें पैथोलॉजीज के लिए। तो देखिए बड़ा अच्छा ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमें इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, डीमाइलिनेशन, डार्क कलर की दिखा रहा है। जब हमें डार्क कलर का होगा तो हमें पता नहीं चलेगा, इतना क्लियर नहीं होगा, ठीक है, कि वो इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है या क्या है। T1 उसको डार्क कलर की दिखा रहा है, लेकिन T2 क्या कर रहा है कि उस एरिया को फटाफट ब्राइट कर देगा, जो भी इन्फेक्शन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, उसको ब्राइट कर देगा, तो आपको पता चल जाएगा जी यहाँ पे इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। इसीलिए ही हम T2 को पैथोलॉजीज के लिए और इसको जो है वो किसके लिए प्रेफर कर रहे हैं, बोन स्टडी के लिए प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा एक फ्लेयर इमेज होता है, फ्लेयर में भी आप देख लें इसमें CSF डार्क, वाइट मैटर डार्क ग्रे कलर का, कॉर्टेक्स या ग्रे मैटर जो है वो लाइट ग्रे कलर की, फैट लाइट और इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन जो है वो ब्राइट कलर की नज़र आएगी, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट आपके पास सेम ही इसका जो है वो सारा T2 वाला ही है, ठीक है, सिर्फ CSF का इसमें डिफरेंस है कि CSF इसमें जो है वो हमें डार्क नज़र आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब ये तीन अगर आपको इमेज दिखा के पूछा जाए कि इसमें से T1 कौन सा है, T2 कौन सा है और फ्लेयर कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इधर CSF डार्क है, ग्रे मैटर डार्क है, ठीक है, तो ये T2 है, इधर CSF जो है वो हमारे पास क्या है, सॉरी ब्राइट था, इधर CSF हमारे पास क्या है, डार्क है, ठीक है, वाइट मैटर हमारे पास लाइट है, ग्रे मैटर हमारे पास ग्रे है, तो ये क्या है, T1 है, ठीक है। इसी तरह से इसमें क्या है कि CSF हमारे पास डार्क है और बाकी सारा T2 वाला ही है, ठीक है ना, यानी कि इसमें, अच्छा चलिए एक और इसको आसान कर लेते हैं कि T2 में और फ्लेयर में सिंपल क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक डिफरेंस है, ये देखें सब कुछ सेम है, सिर्फ CSF का डिफरेंस है कि T2 में CSF हमें ब्राइट कलर का नज़र आ रहा है और फ्लेयर में कैसा नज़र आ रहा है, डार्क कलर का नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सिर्फ ये दोनों इमेज रख के पूछूं कि इसमें से कौन सा T2 है और कौन सा फ्लेयर है, तो आप सबसे पहले देखेंगे जी कि T2 में तो CSF ब्राइट होता है और फ्लेयर में डार्क होता है, तो ये फ्लेयर है और ये क्या है, T2 इमेज है, ठीक है बच्चों। ये क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन, एनीवन?
ओके, ये अगेन सारा वही है जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये मैंने एक स्केल के साथ किया हुआ है. अब वहाँ पे हमने ब्राइट पढ़ा था, ठीक है, जैसे सी एस एफ हमने कहा था कि ब्राइट है, तो आप इसको ये देखें वाइट या ब्राइट इस तरह से भी ले सकते हैं, ठीक है ना, ब्राइट भी हो सकता है और इसको हम इस तरह से वाइट भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये आपको वाइट से शेडो नज़र आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको ब्राइट भी कह सकते हो और आप इसको वाइट भी कह सकते हैं. और जैसे हमने डार्क कहा था तो उस डार्क को आप ब्लैक भी कंसिडर कर सकते हो. तो ये बेसिकली जो स्केल है ये शो कराने का ये मकसद है. दिस इज़ अगेन द सेम थिंग, ठीक है, सी एस एफ कैसा नज़र आएगा, वाइट मैटर कैसा नज़र आएगा, ये पूरा एक कम्प्लीट हमारे पास डिफरेंस है टी वन टी टू फ्लेयर में. टी वन में दोनों शॉर्ट थे, टी टू में दोनों लॉन्ग हो गए, और फ्लेयर में हमारे पास टी आर और टी ई जो हैं वो दोनों वेरी लॉन्ग हैं, ठीक है. और हमने जो पीछे प्रोटॉन डेंसिटी पढ़ा था तो उसमें क्या था कि टी आर लॉन्ग था और टी ई शॉर्ट था, ठीक है बच्चों. अब ये वाली बातें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये रटलाइजेशन वाली बातें कि ये क्या है, बट ये आप लोग जो है वो याद रखें ताकि जब आप इमेजेस देखें तो आपको पता चल जाए कि ये टी वन है, टी टू है, या ये फ्लेयर इमेज है. ओके, अब देखें, अभी हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, सी एस एफ कैसा नज़र आ रहा है हमें, इसमें डार्क आ रहा है, इसमें ब्राइट नज़र आ रहा है और इसमें भी डार्क नज़र आ रहा है. इसमें वाइट मैटर वाइट है, ग्रे मैटर लाइट है, ठीक है, इसमें कैसा है जी, डार्क ग्रे कलर का ग्रे मैटर है और वाइट मैटर जो है वो लाइट है, और सेम ये वाली जो है वो चेंजेस इसी में भी हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है. तो बच्चों ये नीचे नहीं लिखा होगा जब आपसे स्पॉटिंग होगी या जब आपसे अगर वाइवा में पूछा जाएगा, ठीक है, या आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये हम इनको किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे. अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, टी वन टी टू एंड फ्लेयर, ठीक है. अब देखें इस तरह का इमेज आपको मैं दिखाऊंगी ना, ठीक है. अच्छा, अब देखें यहाँ पे कोई क्या है, हमारे पास कोई इन्फेक्शन है, कोई पैथोलॉजी यहाँ पे हमारे पास आई हुई है, ठीक है. तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि टी वन हमें कैसी पैथोलॉजी दिखाएगा, कैसी पैथोलॉजी दिखाएगा बच्चों, टी वन डार्क दिखाएगा, ठीक है, और टी टू और फ्लेयर जो है वो कैसी दिखाता है पैथोलॉजी को, वो क्या कर देता है, ब्राइट कर देता है, ठीक है. अभी मैंने आपको बताया था कि टी टू पैथोलॉजी को ब्राइट कर देता है, इन्फेक्शन को ब्राइट कर देता है, इन्फ्लेमेशन को ब्राइट कर देता है, इसलिए हमें इजीली टी टू इमेज के अंदर हम पैथोलॉजी को जो है वो रीड कर सकते हैं, ठीक है. तो अब अगर आपको ये डिफरेंट दिखा के पूछा जाए कि ये कौन से इमेजेस जो हैं वो आपको हैं ब्रेन एमआरआई के, तो आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पे जो भी इन्फेक्शन है या जो भी डीमाइलिनेशन है या इन्फेक्शन है वो उसको जो है वो डार्क दिखा रहा है, ये इसको ब्राइट दिखा रहा है, तो हमें जो है वो ब्राइट कौन दिखाता है, टी टू दिखाता है, ठीक है. इसी तरह से सी एस एफ, ये जो आपको बॉडी ऑफ द वेंट्रिकल में सी एस एफ नज़र आ रहा है, इसमें डार्क है, इसमें जो है वो ब्राइट है, ठीक है. और ये हमने पहले ही रीड किया था कि दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है. अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास अब टी वन, ठीक है, टी टू हो गया और ये फ्लेयर इमेज हो गया, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सी एस एफ कैसा है, वाइट मैटर कैसा है, ग्रे मैटर कैसा है, तीनों में हम डिफरेंस कर चुके हैं, ठीक है. अब जब हमने पढ़ा था सी टी स्कैन तो उसमें हमने देखा था कि उसमें जो है वो वाइट मैटर ग्रे मैटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो था वो टिश्यू के अंदर नहीं आ रहा था, ठीक है. लेकिन जो हमारे पास ब्रेन एम आर आई है उसके अंदर आप देखें टी वन एंड टी टू में ग्रे मैटर और वाइट मैटर आपको किस तरह से डिफरेंस उसमें जो है वो मेजर एक डिफरेंस नज़र आ रहा होता है, ठीक है. तो अब अगर आपको कोई इमेज शो करवाया जाए ब्रेन का और आपसे पूछा जाए कि ये सीटी स्कैन का इमेज है या ब्रेन का इमेज है, तो वो आपको इजीली पता चल जाना चाहिए, क्योंकि एक तो हमें ग्रे और वाइट मैटर इस तरह का डिफरेंस नज़र डिफरेंट नज़र आता है एमआरआई में, ठीक है. और इसके अलावा आप देखेंगे सीटी स्कैन ने बोन को भी बड़ा अच्छा हमें दिखाया है, जबकि एमआरआई ने हमें बोन जो है वो इतनी अच्छी शो नहीं किया है, ठीक है. अभी हमने पढ़ा था कि टी वन में बोन के लिए हम प्रेफर करते हैं, लेकिन आप देखें कि टी वन ने हमें बोन इतनी अच्छी जो है वो नहीं शो की है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द सीटी स्कैन. सीटी स्कैन ने यहाँ पे हमें स्कल बोन कितनी अच्छी शो की हुई है, अगर यहाँ पे स्कल का फ्रैक्चर होगा तो आपको बड़ा अच्छा सा सीटी स्कैन के अंदर नजर आ जाएगा, बट यहाँ पे हमें इतना अच्छा नज़र नहीं आएगा, ठीक है. सो वेरिएशंस हैं. अब आपको ये इमेजेस जो हैं वो आपको इस तरह शो करवाए जाएँ और पूछा जाए कि कौन सा सीटी स्कैन है, कौन सा टी वन है, कौन सा टी टू है, कौन सा फ्लेयर है, तो आपको पता चल जाना चाहिए. किसका सीटी स्कैन और टी वन टी टू के अंदर कॉर्टेक्स का भी तो डिफरेंस है? जी, वो तो मैंने अभी आपको बताया है कि वो है डिफरेंस, ठीक है ना, वो तो अभी हमने पढ़ा है कि है डिफरेंस, डेफिनेटली है डिफरेंस, ठीक है. तो वो आप ये सारे डिफरेंस की बेसिस पे आप जो है वो उसको डिफरेंशिएट करेंगे. अब अगेन बच्चों अच्छा जी, कौन सा बच्चा हैंड रेज कर, अनम्यूट करेंगे जल्दी से जिसको भी मैं कहूँगी, ठीक है. फातिमा रिजवान अनम्यूट करें. फातिमा रिजवान, अच्छा
जो आप लोग क्लास में प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ लॉग इन किया होता है, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद बिलाल, आपको मैंने तो नहीं अनम्यूट किया हुआ, मोहम्मद बिलाल, सारे बच्चे क्लास में एब्सेंट हैं, आप सबकी मैंने एब्सेंट काउंट करनी है, मोहम्मद उमेर, आसिफ, मोहम्मद यासीन, यस मैम, बेटा आप किधर हैं, क्लास में प्रेजेंट नहीं है? सारे बॉयज की आज एब्सेंट लगेगी जी। हूर फातिमा अनम्यूट करें, हूर फातिमा जी मैम, बेटा बताएं इसमें से कौन सा टी वन और कौन सा टी टू इमेज है दोनों में से, जल्दी से शाबाश। हम सेकंड वाला टी वन है, ठीक है, ये वाला टी वन, मैं बताऊं? हाँ जी, कौन बताना चाह रहा है, क्या नाम है बेटा आपका? मैं बताऊं? मैम फर्स्ट वाला डार्क है तो वो टी वन है और सेकंड वाला ब्राइट है तो वो टी टू है। किसने बताया है? ये एमन ने बताया है, एमन खालिद, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है अभी बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आप तो सबसे पहले ही तो इतना आसान सा इमेज है जिसमें सीएसएफ हमें पता चल गया। अभी हमने इस टेबल में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि टी वन में सीएसएफ डार्क होता है, टी टू में क्या होता है, ब्राइट होता है, ठीक है ना। ये देखें, टी वन में डार्क हो गया सीएसएफ, इसमें हमारे पास सेकंड को डार्क समझ ली, ब्राइट हो गया। नहीं ना बेटा, आपको यही तो मैंने अभी बताया था, ये ब्राइट है ना, ये देखे ना, सीएसएफ तो ये है, ये तो हमारे पास व्हाइट मैटर है, ठीक है, सीएसएफ तो वेंट्रिकल्स के अंदर होता है, ये वेंट्रिकल्स है हमारे पास जी। इससे सबसे पहले तो ये बड़ा आसान सा इमेज था जिसमें हमने सीएसएफ से ही डायग्नोज कर लिया कि भाई यहाँ जो है वो डार्क है और यहाँ जो है वो ब्राइट है, तो ये टी वन हो गया, ये टी टू हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह आप बच्चों आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, स्पाइन का, क्योंकि हम आपको बताएं एमआरआई स्पाइन बहुत करते हैं, सर्वाइकल स्पाइन भी करते हैं, लंबोसैक्रल लेजन का भी करते हैं, इसमें भी टी वन टी टू आप देख लें, सी एस एफ डार्क ब्राइट वो हम पहले पढ़ चुके हैं, फैट भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन और एडिमा भी हम पढ़ चुके हैं। जो डिफरेंट है वो क्या है, मसल आपको इसमें नज़र आएगा ग्रे कलर का और इसमें नज़र आएगा डार्क ग्रे कलर का, ठीक है। जैसे आप ये देखें, ये मसल बेसिकली लगा हुआ है, ठीक है, तो ये मसल हमें ग्रे सा नज़र आ रहा है और इसमें हमें डार्क ग्रे कलर का नज़र आ रहा है, ठीक है, दिस वन। अच्छा, उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड यहाँ हमें ग्रे कलर की नज़र आएगी और यहाँ हमें लाइट ग्रे कलर की नज़र आएगी, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड आपको यहाँ पे नज़र आएगी ग्रे और यहाँ लाइट ग्रे। ये हम जब इंशाल्लाह इन डिटेल पढ़ेंगे तो वो तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फॉर एमआरआई, ठीक है, क्या है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, पेशेंट विद कार्डिक पेसमेकर या डिफिब्रिलेटर, ठीक है, जिसके अंदर कोई कार्डिक पेसमेकर लगा हुआ है या डिफिब्रिलेटर, आपको पता है एबनॉर्मल हार्ट बीट को हम जो है वो नॉर्मलाइज करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए एक डिवाइस होती है, वो पेशेंट को लगाते हैं, ठीक है, तो अगर लगा होगा तो डेफिनेटली पेशेंट को हम एमआरआई नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इंट्रा ऑक्यूलर मेटेलिक फॉरन बॉडीज, ठीक है, कोई ऑक्यूलर में ऑर्बिट में कहीं आपके पास कोई मेटेलिक फॉरन बॉडी लगी हुई है तो भी आप जो है वो एमआरआई, क्योंकि एमआरआई में क्या हो रहा है, मैग्नेट लगा हुआ है, तो मैग्नेट जहाँ लगा होगा वहाँ क्या होगा, मैग्नेट कैच करेगा मेटल को, ठीक है ना, तो मेटल जो है वो पेशेंट की बॉडी में कहीं भी नहीं लगी होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो मैग्नेट कैच करेगा और वहाँ पे पेशेंट का बर्न या कोई और जो है वो एबनॉर्मलिटी हो जाएगी, ठीक है ना, हार्ट बीट तेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कॉकलियर इम्प्लांट्स, ठीक है, आपको पता है वो भी अगेन हमारे पास जो है वो मेटेलिक होते हैं, उसमें जो है वो मेटल लगा हुआ होगा, ठीक है, तो वो भी हम यूज़ नहीं कर सकते। स्टेनलेस स्टील मेटेलिक इम्प्लांट्स, ठीक है, कोई भी मेटेलिक इम्प्लांट्स लगे हैं उसमें भी हम एमआरआई नहीं कर सकते। सोवेनियर बुलेट्स, ठीक है, कोई बुलेट पेशेंट की बॉडी के अंदर जाके जो है वो इम्पीट कर चुकी है, ठीक है, तो भी आप जो है वो एमआरआई नहीं कर सकते पेशेंट का, क्योंकि बुलेट अगेन मेटल है। क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशेंट, क्लॉस्ट्रोफोबिया जो है वो क्या होता है, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा, बॉयज़ में से बताएं बच्चा क्या होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया, जल्दी से बताएं, शाबाश। क्लॉस्ट्रोफोबिया मैम, क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं इरेशनल फेयर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, मतलब कि फेयर किसी चीज से डर जाना। चले, आपने टू सेम एक्सटेंट सही बताया, लेकिन क्लॉस्ट्रोफोबिया ही होता है बच्चों, आपने अक्सर आप लोगों ने ये देखा है, ये हमारे पास इस पे बहुत सारी मूवीज बहुत सारे ड्रामाज भी बने हुए हैं कि पेशेंट्स वो लोग जिनको जो
तंग तंग जगह हैं, कोई टनल में जाना है, कोई कन्फाइंड स्पेसेस हैं, वहां पे उनको डर लगता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वो क्लॉस्ट्रोफोबिक। यहाँ तो वो ओवरक्राउडेड में भी उनको जो है वो उनको फोबिया होता है और ओवरक्राउडेड से, ठीक है, या कोई बिल्कुल जो है वो सुनसान सी जगह है, ठीक है, वहाँ पे भी उनको जो है वो होगा, या जैसे कुछ लोगों को लिफ्ट्स में आपने देखा है कि उनको लिफ्ट्स में बहुत जाने से जो है वो डर लगता है, ठीक है, वो क्लॉस्ट्रोफोबिया में आ जाता है। इसी तरह से कुछ लोगों को जो है वो एलिवेटर पे चढ़ने से डर लग रहा होता है, ठीक है, तो ये सारे क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं जिनको कन्फाइंड स्पेसेस से या ओवरक्राउडेड स्पेसेस से जो है वो क्या होता है, फोबिया होता है, ठीक है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि हमने MRI में क्या करना है कि पेशेंट को टनल में इंसर्ट करना है, तो टनल है तो टनल में क्या होगा कि अब जो क्लॉस्ट्रोफोबिक होगा उसको तो डर लगेगा कि टनल में मैं जाऊँगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा एंड दिस एंड दैट, तो उस पेशेंट का हम क्या कर सकते हैं, MRI नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंट विद इंसुलिन पंप भी मेटेलिक जो है वो एक हमारे पास डिवाइस होती है जिसको हम लगा देते हैं और वो क्या करता है कि बॉडी में इंसुलिन जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो अगेन चूंकि मेटेलिक है तो हम पेशेंट को MRI नहीं लगा सकेंगे। पेशेंट विद नी एंड हिप प्रोस्थीसिस, ठीक है, प्रोस्थीसिस में भी आपको पता है हमारे पास मेटेलिक पार्ट्स होते हैं, तो जहाँ जहाँ मेटल आ गया वहाँ वहाँ हम MRI पेशेंट का नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर वाइवा के कौन कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशन है आपने याद रखनी है। देन हमारे पास आ जाता है MRI और CT का कंपैरिजन, जो आप लोगों को जो है वो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे डे वन से। सॉफ्ट टिश्यू मच हायर डिटेल इन सॉफ्ट टिश्यूज, लेस डिटेल्स इन सॉफ्ट टिश्यूज, ठीक है। MRI हमें सॉफ्ट टिश्यूज की बहुत अच्छी डिटेल बताता है, CT स्कैन उसकी डिटेल थोड़ी हमें कम बताता है, ठीक है, बताता है लेकिन कंपैरेटिवली कम बताता है। बोनी स्ट्रक्चर्स लेस डिटेल्ड मोर डिटेल्ड, ठीक है, MRI में बोनी स्ट्रक्चर्स हमारे पास जरा कम डिटेल में अच्छे से पता चलते हैं, CT स्कैन हमें ज़्यादा अच्छे से दिखाता है, अभी पीछे हमने पढ़ा भी था ये। जी बिलाल, आपने हैंड रेस किया है। मैम आपने पहले मेरा नेम कॉल किया था तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा जैसे ही आपका नेम कॉल होता है वैसे ही नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, बड़ा फास्ट इंटरप्शन कर रहा था मैम, शुरू से इंटरप्ट हो रहा था। मुझे बताएं T1 एंड T2 में क्या डिफरेंस है इमेजेस में? मैम T1 जो है वो लाइट के लिए यूज करते हैं हम और T2 ब्राइट इमेज के लिए। लाइट के लिए और ब्राइट के लिए? हाँ ये क्या डिफरेंस बताया बच्चे आपने? मैम समथिंग लाइक इस तरह से कुछ सुना। क्या नहीं हुआ बेटा? देखिए मैंने आपसे बार बार पूछ रही हूँ सब स्टूडेंट से कि अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मुझे बताएं, मैं ऑलरेडी एक पॉइंट को बहुत बहुत दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ, ठीक है ना, तो स्टिल मैंने आपसे पूछा है कि नहीं समझ आ रही तो मुझे बताएं, बट आप तो अजीब सी कोई बात, अजीब ही आपने एक नया पॉइंट उठाया है कि लाइट और डार्क। T1 डार्क के लिए यूज करते हैं, डार्क इमेज लाइक आपने इस तरह का कुछ बताया। बेटा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। मैम T1 में जो CSF होता है ना वो डार्क होता है। और T2 में ब्राइट होता है। वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चे ये उमेर ने बताया, अच्छा तो यही मैंने आपको भी बताया है बेटा। बिलाल अगर आपको नहीं क्लियर हुआ पॉइंट तो आप मुझसे पूछे, आपको मुझे लगता है कि शुरू से नहीं लेक्चर क्लियर हुआ, ठीक है। अब आपने ये सारी रिकॉर्डिंग सुननी है बिकॉज हमारा टाइम खत्म हो रहा है लेक्चर का, और नेक्स्ट लेक्चर में आपने पूरे मुझे इसका रिव्यू करवाना है, ठीक है, कि T1 में और T2 में क्या डिफरेंस है और किन बेसिस पे डिफरेंस है, ये अब आपने सारा रिव्यू करवाना है। अच्छा जी, बोनी स्ट्रक्चर्स MRI में इफेक्ट्स ऑन द बॉडी टिश्यूज, नो हैजर्ड्स रिपोर्टेड, स्मॉल रिस्क ऑफ रेडिएशन, आपको पता है MRI में मैंने आपको बताया नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है तो बॉडी में हमारे पास साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। CT स्कैन में चूंकि एक्सरेज थी तो रेडिएशन के चांसेस हैं। अच्छा जी, जो हमारे पास MRI है ये हमारे पास जो है वो ज़्यादा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू द CT स्कैन। कॉस्ट हो गया ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसको हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी कहते हैं। एक्सपोजर टू रेडिएशन इसमें नहीं है और CT स्कैन में चूंकि एक्सरेज हैं तो मॉडरेट रेडिएशन हमारे पास एक्सपोजर हो रहा है। टाइम टेकन 30 से 45 मिनट और 5 मिनट्स, ठीक है। अभी मैंने आपको शुरू में बताया था चूंकि MRI में जैसे वो रेडिएशन रेपिटेशन टाइम आ रहा है, पल्स जनरेट हो रही है, वो सब कुछ इतना लंबा हमारे पास प्रोसीजर हो रहा है तो इसमें यूजली 30 से 40 या 45 मिनट्स जो है वो लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन CT स्कैन में अराउंड 5 से 10 मिनट्स लगते हैं। सो बच्चों ये अगेन अवाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप CT और MRI को कंपेयर करें कौन कौन से बेसिस पे करेंगे, ठीक है, तो ये आपने मुझे बताना होगा।
लास्ट हमारे पास आ जाता है कंट्रास्ट एजेंट, ठीक है. गैडोलिनियम इज बेसिकली मोस्ट कॉमनली एमआरआई कंट्रास्ट, जैसे हमने बाकी सब स्टडीज में पढ़ा था कि कंट्रास्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं. और कंट्रास्ट क्या करता है कि इमेज को मज़ीद हमें विजुलाइज कर देता है, प्रॉपर वे से जो है वो शो कर देता है. इसी तरह से ही एमआरआई में भी हमने अगर किसी भी जो है वो रीजन को देखना है और हमें लगता है कि वो हमें प्रॉपर क्लियर शो नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं जो गैडोलिनियम चिलेट्स है इसको हम क्या करते हैं इंजेक्ट कर देते हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है. और इसको हम यूजुअली इंट्रावीनस इंजेक्ट करते हैं 0.1 mmg, और ये जाके आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें प्रॉपरली शो कर देते हैं हमें. इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, वॉमिटिंग है, नोजिया है, एनाफिलैक्सिस एंड सीजर्स, ठीक है बच्चों. तो इसको बहुत ज़्यादा इन डिटेल ना पढ़े, एटलीस्ट आपको सिर्फ इतना आइडिया होना चाहिए कि कौन सा कॉमनली, ये सिर्फ एक कंट्रास्ट है, इसके अलावा नंबर ऑफ कंट्रास्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है. बट मैंने आपके लेवल पे बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाता. तो आपने सिर्फ यही याद रखना है कि गैडोलिनियम जो है वो हमारा कंट्रास्ट है, जो कि यूजुअली हम इंट्रावीनस दे रहे होते हैं पेशेंट को, ठीक है. और इसका जो है वो हमारे पास जो साइड इफेक्ट है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वॉमिटिंग है, नोजिया, एनाफिलैक्सिस एंड सीजर्स. ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. व्हाट इज द इंट्रोडक्शन टू द एमआरआई, एमआरआई में हमारे पास जो है वो क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे हम पेशेंट को स्कैनर में लिटाते हैं, साथ ही मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड से एटम्स जो है जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारी बॉडी के, वो लाइंड अप हो जाते हैं. रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल रेडियो वेव्स जनरेट करती है, वो प्रोटॉन्स को जाके एक्साइट करती है, प्रोटॉन्स सिग्नल्स इमिट करते हैं, सिग्नल्स फिर इमेज बनाते हैं, ठीक है. ये सारा मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है. फिर मैंने आपको बताया है कि टी आर और टी ई ये टाइम क्या होता है, ठीक है. फिर हमने देखा है कि टी आर और टी ई इनकी बेसिस पे हमने डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो एमआरआई के डिस्कस किए हैं, जिसमें टी वन वेटेड इमेजेस है, टी टू वेटेड इमेजेस है, प्रोटॉन डेंसिटी इमेज है और फ्लेयर इमेज है. और फिर हमने देखा है कि डिफरेंट इमेजेस जो हैं उसके अंदर हमें डिफरेंट टिश्यूज जो हैं वो किस तरह के नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है. उसके अलावा बच्चों लास्टली हमने जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर एमआरआई पढ़ी है, जहाँ मेटल होगी एमआरआई नहीं यूज़ हो सकता. एंड देन वी हैव डिस्कस द कंपैरिजन ऑफ एमआरआई एंड सीटी, एंड एट लास्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द कंट्रास्ट, द मोस्ट कॉमन कंट्रास्ट यूज इन द एमआरआई. आप में से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. अस्सलाम वालेकुम मैम. जी वालेकुम सलाम मैम. मैंने पूछना था कि आप ही सिर्फ हमें सिटी के जो एक्सरे के स्लाइसेस हैं वो करवा रही हैं कि पीछे भी किसी, मतलब जो पिछला बैच है या पीछे भी आपने किसी को पढ़ाए हुए हैं? सॉरी मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया. मैम मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इससे पहले आपने किसी और बैच को या किसी और सेमेस्टर को ये स्लाइसेस जो आपने हमें सिटी की पढ़ाए थे एक्सरे के, तो वो आप हमें सिर्फ पढ़ा रही हैं कि किसी और को भी पढ़ाए हैं आपने? जी बेटा बिल्कुल, हमने और भी स्टूडेंट्स को पढ़ाए हुए हैं मैंने, ठीक है. आपका जो इस वक्त बाकी सेक्शंस चल रही हैं उन सेक्शंस में भी आप इसको इसी तरह ही पढ़ रहे हैं, ठीक है. आपको बच्चों बेटा जो आपका कंसर्न होना चाहिए ना, वो ये नहीं होना चाहिए कि और सेक्शंस ने क्या पढ़ा है या क्या नहीं पढ़ा. आपका कंसर्न ये होना चाहिए कि आप वो चीज पढ़े हो जो कि आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है, यानी कि जो आपको इन फ्यूचर हेल्प करेगी, ठीक है ना. अगर मैं आपको एमआरआई की, लेट सपोज मैं आपको सारी एमआरआई की मशीन्स पढ़ा देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ ये हो रहा है ये हो रहा है ये हो रहा है, जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप कहेंगे अच्छा क्रॉस सेक्शनल इमेज होता है सीटी स्कैन का, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो मशीन ही पढ़ते रहे सिर्फ, ठीक है ना. आपको मैं एक्सरे की व्यूज ना दिखाऊँ तो आप जब जाएंगे पेशेंट आपको पोस्टीरियर इंटरव्यू व्यू लेके आएगा तो आप कहेंगे अच्छा पोस्टीरियर इंटरव्यू व्यू भी होता है एक्सरे में, ये तो शायद हमने नहीं पढ़ा था. अभी भी बहुत सारी डिटेल्स हैं बच्चों जो कि मुझे कट ऑफ करनी पड़ रही है कि इस लेवल पे आपको समझ नहीं आएगी, बट जो बेसिक्स है ना बच्चों वो आपको मैं पढ़ा रही हूँ. और बहुत डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसको बहुत कंसाइज करके पढ़ रहे हैं. थोड़ा सा सब्जेक्ट डिफरेंट है इसलिए आप लोगों को मुश्किल होती है. मैंने आपको कहा है जहाँ मुश्किल होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है. एनी टाइम यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी, मेल पे भी पूछ सकते हैं और कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बच्चे. ओके मैम थैंक यू. जब मेरे लिए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हमने जब खुद भी पढ़ा था, मैंने जब जब पढ़ाया ये सब्जेक्ट मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा. तो आप लोग भी इसको इंटरेस्ट से लेके पढ़ें. आपको फैमिली में बहुत से लोग कहते होंगे कि दिखाएं जी एमआरआई देख दे देख दें, सीटी स्कैन देख दें, एक्सरे देख दें. अभी तो चले आप शायद छोटे हैं, आपको भी नहीं कह रहे हैं, कुछ साल बाद जब कहेंगे और आपको नहीं देखना आएगा तो आपको मुश्किल होगी. तो कुछ बेसिक सीख लें फिर आगे जाके और मजीद इसमें आप डिटेल सीखते जाएंगे, ठीक है. हाँ जी ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम हो? Anyone else? कोई मसला? No ma'am.
चलें बच्चे, आप सारे स्टूडेंट्स से जो है वो मैं पहले पहले भी मैंने कहा था, आप लोग थोड़ा सा बच्चों क्लास में जरा अटेंटिव रहा करें प्लीज, फिजिकली प्रेजेंट रहा करें क्लास में, ताकि आपको जो भी पॉइंट है वो वहीं पे क्लियर हो जाए, ठीक है। और बिलाल आपको मैंने, मोहम्मद बिलाल प्रेजेंट है जी मैम, आपको मैंने क्या असाइनमेंट दिया है कि नेक्स्ट टाइम पूरा लेक्चर आपने रिव्यू करवाना है। हाँ जी, और जो जितनी भी रेस्ट ऑफ द पूरी क्लास बच्चे को इमेज दिखा के पूछ सकती हूँ कि ये T1 है या T2 है, ठीक है। तो ये आप बहुत ज्यादा डिटेल ना पढ़े, जो लेक्चर सिंपल मैंने आपको डिलीवर किया ना ये आप पढ़ लें, दैट्स इट। ओके ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स न्यू एनरोल हुए हैं इस सेक्शन में वो कौन से हैं? आयशा जाहिद है और नबिया तारिक है, वो स्टूडेंट्स जो कि न्यू सेक्शन में एनरोल्ड हुए हैं और उन्होंने मुझे अब तक वो नहीं दिया हुआ ओरल टेस्ट, उनको मैंने आज असाइन किया हुआ था, क्लास में प्रेजेंट है। रेस्ट स्टूडेंट्स लीव कर दें, ठीक है। जो स्टूडेंट्स क्लास में न्यू एनरोल्ड हैं जो कि दूसरे सेक्शन से हैं, आयशा जाहिद आप अनम्यूट करें, आप क्लास में प्रेजेंट हैं। आपसे मैंने कहा था कि आज आपका ओरल टेस्ट होगा, नो वन इज प्रेजेंट, इसका मतलब है कि आप ओरल टेस्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। चले बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।